तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, लर्न एंड अर्न के वीडियो चैनल में खुश आमदीद। हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि HTML एंटिटीज क्या होता है, और इस वीडियोस में हम देखेंगे स्कीमेटिक टैग्स क्या होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है और उन्हें क्यों यूज किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और प्लेलिस्ट को बुकमार्क किया होगा। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे स्कीमेटिक टैग्स को। तो हम जल्दी से अपना नई क्लास से क्रिएट कर लेते हैं। क्लास 12 के नाम से और एंटर, और हम इस पे बॉयलरप्लेट लगाते हैं और अपना स्कीमेटिक स्कीमेटिक टैग्स कर लेते हैं टैग, और सिमेंटिक टैग्स, और हम इसको H1 के बीच में हेडिंग H1 और हम अपने सर्वर में लाइव चले जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं वो टैग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं अपने ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारे जो HTML5 में जो हमारा ब्राउजर जो हम HTML लिख रहे हैं उसमें किस जगह पे क्या चीज पड़ी हुई है। हम सेम काम डिव के थ्रू भी कर सकते हैं। हम सिंपली डिव क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू मतलब के डिव क्रिएट्स करके हम अपने वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। पुराने जमाने में लोग शुरू शुरू में करते होते थे कि वो अपनी वेबसाइट क्रिएट करते थे, उसमें उन्होंने नेव हेडर जहाँ पे हेडर यूज करना है सिंपल डिव लिखा, डिव के अंदर सारा कुछ लिखा, डिव की CSS की और डिव के जावास्क्रिप्ट की, और वो डिव लिखा के टैग को यूज करते उन्होंने अपना हेडर भी क्रिएट कर लिया, डिव के टैग को यूज करते हुए उन्होंने अपना फुटर भी क्रिएट कर लिया, डिव के टैग को यूज करते हुए उन्होंने अपना नेविगेशन बार भी क्रिएट कर लेते थे। वो नेव टैग हो गया, फुटर टैग हो गया, हेडर टैग हो गया, इनको सिमेंटिक टैग्स को यूज ही नहीं करते थे। तो सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं ये बेसिकली इतने कोई खास जरूरी नहीं होते कि अगर आप सिंपल अपनी वेबसाइट क्रिएट करें, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट की SEO करना चाहते हैं, अगर आप बेसिकली सिमेंटिक टैग्स के थ्रू आप हेल्प कर रहे होते हैं अपने सर्च इंजन की, अपने ब्राउजर की, लाइक गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, अपने ब्राउजर की हेल्प कर रहे होते हैं सिमेंटिक टैग्स के थ्रू और उनको बता रहे होते हो कि आपके ब्लॉग में इस जगह पे नेव पड़ा हुआ है, इधर हेडर है, ये फुटर है, ताकि वो आपकी रैंकिंग कर सके। इसमें आप उनकी हेल्प करते हो कि वो आपके ब्राउजर को की कैटेगरी को अच्छी तरह देख सके, और साथ साथ आप अपनी भी हेल्प करते हो कि आपकी वेबसाइट रैंक हो उसके। तो जब अगर आप सिमेंटिक टैग्स को यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके कंटेंट और आपने वेबसाइट को किस तरह क्रिएट किया हुआ है, उसकी जावास्क्रिप्ट कैसी यूज की हुई है, CSS, ये सारी भी मैटर करती हैं। तो अब हम सिमेंटिक टैग्स को थोड़ा डीप डाइव करते हैं और हम देखते हैं सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। तो हम अपना बल्कि इसको ओपन कर फुल में करता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। ये मेरे सामने एक तस्वीर है और मैं इस तस्वीर से आपको डिस्क्राइब करूंगा कि जो सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स में क्या फर्क होता है। अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो सिमेंटिक टैग्स से पहले लोग क्रिएट करते थे, उन्होंने सिंपल एक डिव क्रिएट करनी अपने हेडर के लिए, एक डिव क्रिएट करनी नेव के जरिए, एक डिव सेक्शन आर्टिकल, और के उनको सिमेंटिक टैग्स यूज नहीं करते थे, वो डिव के थ्रू ही सारा काम करते थे। इस डिव के थ्रू जो काम करते थे उससे वेबसाइट तो उनकी बहुत अच्छी बन जाती थी, सारे फंक्शंस भी सेम होते थे, अट्रैक्शन भी अच्छी होती थी, वो उनकी वेबसाइट वर्किंग भी बिल्कुल सही करती है,
वर्किंग में कोई फर्क नहीं आता आपकी वेबसाइट के आप डिव से करें या आप सिमेंटिक टैग्स को यूज करें, लेकिन हाँ आप अगर एसईओ में आपके बहुत काम आएंगे, और अगर आप एसईओ करना चाह रहे हैं जो कि हम सब करेंगे जब भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो एसईओ तो हम लाजिमन मज़ूम करेंगे अपनी वेबसाइट की, तो उसके लिए हमें सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं हमारे काफ़ी काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिमेंटिक टैग्स वाली वेबसाइट और नॉन सिमेंटिक टैग्स वाली वेबसाइट में क्या फ़र्क है। सिमेंटिक टैग्स वाली में हम अपने HTML को के साथ साथ अपने ब्राउजर को बता रहे हैं टैग्स को यूज़ करते हुए कि हमारे ब्राउजर को बताओ कि हम ये जो हमने इसके डिव के अंदर जो हमारा डाटा है वो हमारा हेडर है, जो हमने इसके अंदर लिखा हुआ है ये हमारा नेव है, ये हमारी नेविगेशन बार है, ये हमारा सेक्शन है, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा फुटर है। लेकिन अगर हम नॉन सिमेंटिक टैग्स यूज कर रहे होते हैं तो हमें तो बज़ाहिर देख रहा है तो उसे अक्सर पता चल जाता है कि ये नेव बार है और ये फुटर होगा, लेकिन जब हम हमारे ब्राउजर को नहीं पता चलता कि हमारी वेबसाइट में हमारा हेडर कहाँ पे है, हमारा नेविगेशन बार किधर है और हमारा सेक्शन और फुटर किधर है। जब हमारी वेबसाइट को पता होगा कि हमारे हेडर किधर है, नेव बार किधर है, तो हमारी रैंकिंग कर सकेगा, उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि वो हमारी रैंक करे और इससे हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो अब हम देख लेते हैं सिमेंटिक टैग्स को कि सिमेंटिक टैग्स कौन कौन से होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम जाते हैं आप इसमें देख सकते हैं सिमेंटिक टैग्स मोज़िला, आपने जाना है सिमेंटिक टैग मोज़िला में, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम इसको ओपन कर लेते हैं सिमेंटिक्स में। तो यहाँ पे ये आपको बताएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं एक और इसका एस्टिमेट में क्या रोल है, और उसके साथ साथ आपको डिफरेंट सिमेंटिक टैग्स का भी बताएगा। तो रफली 100 सिमेंटिक टैग्स जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जो हमारे हेल्पफुल होते हैं हमारे ब्राउजर को बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट में कौन सी चीज़ किस जगह पड़ी हुई है और किस चीज़ का क्या पर्पज़ है। जिससे अगर हम देखें तो हमारे फुटर है जो हमारी वेबसाइट को बताएगा कि हमारी वेबसाइट का फुटर किधर पड़ा हुआ है। अगर हम देख लें इसी वेबसाइट को तो ये इस वेबसाइट का फुटर है, और लेकिन इस बात का अगर इस वेबसाइट ने सिमेंटिक टैग्स को यूज़ किया हुआ है तो इसका बात का मेरे हमारे साथ साथ हमारे ब्राउजर को भी पता होगा कि इस वेबसाइट का फुटर किधर है। लेकिन अगर ये डिव के थ्रू ये काम कर लेते हैं तो वेबसाइट की वर्किंग में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वेबसाइट बिल्कुल उसी तरह काम करेगी जिस तरह सिमेंटिक टैग्स के साथ यूज़ करती है तो, लेकिन हमारी रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारा फुटर टैग है जो हमें बताएगा कि फुटर हमारा कौन सा है, इस तरह फिक कैप्शन है जो हमारी फिगर का कैप्शन वगैरह के बारे में बताएगा। तो इधर मैं आपको साथ साथ कुछ टैग्स के बारे में बता देता हूँ, लाइक ये हमारा समरी का टैग है, तो इस टैग का पर्पस क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ आपको यहाँ से चल जाएगा। तो जो हमारा मैं आपको दो मिनट इसको इन डिटेल करके बताता हूँ कि मैं इसको यहाँ से HTML को कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउजर में आ जाते हैं हम। और हम इसको इधर ला के पेस्ट कर देते हैं, तो अब इसको सेव करता हूँ। तो आप देखिए हमने जो सिमेंटिक टैग को वहाँ से डिटेल्स और समरी हमारा एक सिमेंटिक टैग है और हमने उसको लाके यहाँ पे सेव किया, तो ये हमें बताएगा, ये हमारे उसको ब्राउजर को बता रहा है बेसिकली कि यहाँ पे क्या चीज़ यूज हो रही है। तो अगर हम देखते हैं हम अपने डिटेल टैग को, तो ये देखें हम इस पर क्लिक करते हैं एरो पे तो ये हमें डिटेल दे देता है। तो ये बेसिकली है क्या, इसमें आपका जो समरी है ये आपका आपने कोई पैराग्राफ लिखा है, लाइक आपने 100-200 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है, जिस तरह मैं यहाँ पे एक फेक पैराग्राफ लिखता हूँ। लोरम लोरम मल्टीप्लाई पे 300 और एंटर दबाता हूँ। तो अगर हम देखें अपने इसको हम सेव कर लेते हैं, तो अगर आप देखें इसको हम
करते हैं तो हमारा जो हमने लिखा था डिटेल्स के अंदर जो लिखा था वो सारा कुछ शो होने लग जाता है। तो हमारे जो सिमेंटिक टैग है लाइक हमारा जो डिटेल और समरी का है, तो जो समरी टैग का पर्पस होता है वो ये होता है कि जो हम हमारा एक पूरा पैराग्राफ है उसमें से हम उस पैराग्राफ को की जो समरी होती है ना उसको हम ऊपर लिख देते हैं, हेडिंग में लिख देते हैं। समरी टैग के अंदर उस पैराग्राफ की हेडिंग आ जाती है कि अगर आप समरी टैग को पढ़ते हैं जो हेडिंग में लिखा होता है इस जगह पे, तो आपको एक आइडिया होता है कि आपके पैराग्राफ के बीच में क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो ये आपका जो सारा कुछ इन डिटेल आ जाएगा, जो पैराग्राफ होगा जिसकी समरी आपने पढ़ी है वो सारी शो हो जाएगी। तो सिमेंटिक टैग होता है उसका ये पर्पज होता है कि वो आपकी एसईओ में काम आता है, आपकी रैंकिंग में काम आता है, और ये रिकमेंडेड होता है कि आप बजाय इसके के डिव को यूज करें और अपने वेबसाइट को क्रिएट करें एज अ डिव को, एज अ हेडर यूज करते हो, डिव को एज अ फुटर यूज करते हो, आप सिमेंटिक टैग्स को यूज करें ताकि आपकी रैंकिंग ब्राउजर की अच्छी हो सके और ट्रैफिक ज्यादा आ सके। उसके साथ साथ आप में से अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमें HTML के डिफरेंट टैग्स हैं, लाइक अगर ये रफली 100 टैग्स से सिमेंटिक टैग्स हमारे पास हैं रफली, तो ये हम कैसे देखेंगे, इनके एट्रीब्यूट्स कैसे याद करेंगे। तो आपने एट्रीब्यूट्स याद नहीं करने होते हैं ना आपने इनके टैग्स को याद करना होता है, आपने बेसिकली जो HTML के टैग्स होते हैं उनको एक दफा पढ़ना होता है कि आपको पता हो कि ये टैग होता है और इस टैग का ये पर्पज होता है। अब इस टैग को किस तरह यूज करते हैं ये आपको याद करना लाजमी नहीं है। अब जिस तरह आपने लाइक आपने जिस हमने जब वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि हमने HTML CSS और JavaScript करना है। तो हमने एक बात की थी कि हमने जो HTML लाइक उसे हमने 50-60% करना है, CSS को भी 50-60% करना है, और जो JavaScript है उसे 40% हमने करना है। हमने सिर्फ बेसिक इन्फो लेनी होती है, हमने जब लर्निंग फेज में होते हैं तो हमने बेसिक इन्फो लेनी है, उसके बाद हमने फ्री प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देने। जब हम फ्री प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहां से हम लर्न करेंगे, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे तो आप लर्न करते जाएंगे। अगर आप कोई देख लें, कोई सीनियर वेब डेवलपर को देख लें जो फुल स्टैक डेवलपर भी होगा और उसका पास कोई 15 से 20 साल का तजर्बा भी होगा, तब भी उसको 100% HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का नहीं आती होगी। उसको अपने 15-20 साल के कैरियर के बाद भी 92-98.5% जो वेब डेवलपमेंट आती होगी, बाकी वो भी कहीं ना कहीं में फंसता होगा और वो गूगल वगैरह से उनको यूज करता होगा। तो आपने भी इस तरह नहीं करना कि अगर आप इस तरह करने लग गए कि आपने 110% मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने HTML का सारे टैग्स याद करने हैं फिर मैं CSS की तरफ जाऊंगा, तो आप गलती में आप बीच में HTML में ही फंसे रह जाएंगे, आप CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ नहीं जा सकेंगे। तो ये वीडियो हम HTML में सिमेंटिक टैग्स को देख रहे हैं और HTML के टैग्स जो रह गए हैं बाकी वो हम साथ साथ देखेंगे जब हम CSS करेंगे। तो CSS में जहाँ जहाँ पे जिस टैग की यूज आएगा तो वहाँ पे हम उसको देखेंगे, और अगर कोई नया टैग होगा या कोई कॉम्प्लेक्स टैग होगा तो साथ साथ हम उसको डिस्क्राइब भी करते जाएंगे। तो ये हमारी HTML की जो बेसिक वीडियो है जो बिगनर्स के लिए वो यहाँ तक है, और आगे जो हम शुरू करेंगे वो हम एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसमें हम CSS से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सिमेंटिक टैग्स के बारे में पता चला होगा, आप समझ आई होगी सिमेंटिक टैग्स क्या है और इनका रोल क्या होता है। और अगली वीडियो मिलते हैं अगली वीडियोस में जहाँ से जिसमें हम CSS के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।